So, as a part of grooming session, Mr. Maulik, एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू जो हम वन मंथ का जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और लगभग कितना 2 महीना हो गया या 2.5 महीना हो गया, एक महीना हो गया नहीं, प्रेजेंटेशन रेडी करने में कैसा है? एक महीना का, चलो ठीक है। सो वेलकम मिस्टर मौलिक हु इज प्रेजेंटिंग यूनियन बजट ऑफ इंडिया। बेसिकली यूनियन बजट आप सभी को पता है, ठीक है। और सिंस वन एंड हाफ मंथ टू मंथ का ग्रूमिंग सेशन के बाद वन मंथ रिगरसली अपने पेस में इसका इंटरेस्ट के ऊपर यूनियन बजट के ऊपर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाया। सभी लोगों देखो हम लोग चांस देते हैं कि आप अपना मन से कुछ ना कुछ नया प्रिपरेशन करो और उसके साथ साथ प्रेजेंट करो। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल वैल्यूएशन एक्टिविटी फॉर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि ये जो फंडामेंटली एक्टिविटी आप कर रहे हो ये आपका एक बेस बना रहा है स्टॉक मार्केट का। फिर आगे जाके देखोगे जैसे सीनियर स्टूडेंट से बात करोगे वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि डेली इंट्राडे ट्रेडिंग और स्ट्रेटजी वो रहेगा। ऑफ कोर्स आपको पढ़ना है, बट अभी जो 2 महीना कंसंट्रेट कर रहे हो फुल टाइम वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये जो गोल्डन पीरियड उसी को मिस्टर मौलिक प्रेजेंट कर रहे हैं विथ यूनियन बजट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो मौलिक प्लीज कंटिन्यू। तो बेसिकली जो आज का जो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो बजट के कि सरकार गवर्नमेंट के पास आमदनी कैसी होती है, रेवेन्यू कैसे आती है, सरकार एक्सपेंस कहाँ कहाँ करती है, उसके ऊपर मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा। तो थोड़ा सा बजट के बारे में कह देता हूँ कि बजट होता क्या है। नॉर्मली जब हम अपना घर का बजट बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की इनकम एग्जाम्पल जो मेरे इनकम है वो 40,000 है, तो फिर हम उस हिसाब से अपना बजट बनाएंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं होता, सरकार पहले अपना खर्चा प्लान करेगी बाद में बजट बनाएगी। तो जो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रिसिप्ट रहेगा कि रिसिप्ट होता क्या है। रिसिप्ट यानी कि सरकार की आमदनी, सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है, क्योंकि 2 तरीके से आता है पैसा सरकार के पास, एक तो अपना रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया और कैपिटल रिसिप्ट। तो पहला हम समझेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है कि सरकार की वो आमदनी जो सरकार को लोगों को सरकार को वापस नहीं करना, सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटीज और एसेट में कमी क्रिएट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो आप एक बार पे करने के बाद आपको वापस सरकार से वापस नहीं मिलेगा। जिनको असेट्स और लायबिलिटीज नहीं पता है मैं बता देता हूँ थोड़ा। असेट असेट क्या होता है कि आपकी मिलकत, आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, आपने किसी को उधार दिया है पैसा, वो आपका असेट होगा। लायबिलिटीज क्या होती है कि आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो आपको उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इसमें सरकार की आमदनी तो होती है लेकिन सरकार को वापस भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर सरकार ने लोन ले लिया कहीं से भी, RBI से लो, इंटरनेशनल बॉडीज यानी कि IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उससे लोन लिया है ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट मूव बैक। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी 2 तरह के रिसिप्ट होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो टैक्स, तो पहले हम समझे कि टैक्स रेवेन्यू एक लीगल कंपल्सरी पेमेंट है जो पीपल जो देशवासियों को भरना ही पड़ता है, वरना नहीं भरेंगे तो पेनल्टीज लगेगी या आपको जेल भी हो सकती है। तो इनकम टैक्स का एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटीज है, तो वो अपने टैक्स रेवेन्यूज में। सभी लोगों ने देखा होगा ना टैक्स जैसे 31 जुलाई तक था, उसके बाद आपको पेनल्टी लगेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या है, टैक्स जो देते हो उसी टैक्स से ही आपका गवर्नमेंट का काम चल रहा है, GST हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही टैक्स से ही आपका, जैसे घर का इनकम है उनका इनकम वहीं से है, फिर उसके बाद से काम करते हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू। 2 तरह के टैक्स रिवेन्यूज होते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, उसको फॉर एग्जाम्पल 3-4% लोग इंडिया में डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं।
जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स है वो सभी लोग करते हैं, जिसके जीएसटी कस्टम ड्यूटी वेट सर्विस टैक्स। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कहीं से 10 रुपये की चीज़ खरीदी है, उसमें जीएसटी इंक्लूड ही होता है, वो आप इनडायरेक्टली पे करते ही हो तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में पे आता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जिनकी इनकम होती है, जिनकी अच्छी खासी इनकम होती है वो पे करते हैं, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है वो पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स सभी पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स 3-4% इंडिया के पॉपुलेशन में कर। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जो सरकार टैक्स से पैसा कलेक्ट नहीं करती। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो है कॉमर्शियल रेवेन्यू और एक दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। कॉमर्शियल देखेंगे, कॉमर्शियल रेवेन्यू क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करके फीस वसूलती है। फॉर एग्जाम्पल आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गए, गैस बिल्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, पोस्टल स्टैम्प्स हो गए, टोल टैक्स हो गए, आपको गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बदले में आपसे फीस वसूलती है, तो उसके उसको कॉमर्शियल रेवेन्यू कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या है, जैसे कि आपने पासपोर्ट भी, कोई भी अगर पासपोर्ट बनाने जाता है तो 1500 रुपये लगते हैं, अगर आपको नॉर्मल पासपोर्ट कराना है तो 1500 लगेंगे, अगर तत्काल करना है तो 2000 ऐसे, उससे भी होता है। फाइन एंड पेनल्टीज हो गया, अपना लाइसेंस फी एंड परमिट हो गया, इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर में क्या आता है कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल बेल हो गया, NTPC हो गया, उससे जो प्रॉफिट होता है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू आता है। दूसरा है अपना कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में तीन तरह की रिसिप्ट होती है, एक तो बोरिंग हो गया, रिकवरी ऑफ लोन्स डिसइन्वेस्टमेंट बोरिंग। तो पहले जो हमारी है बोरिंग में दो तरह की बोरिंग होती है, तो डोमेस्टिक बोरिंग और एक्सटर्नल बोरिंग। डोमेस्टिक बोरिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक बोरिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने ही बैंक से, यानी कि अपने जो देश के ही बैंक से, यानी कि RBI होगी, उसी से लोन लेके अपना जो खर्चा है वो पूरा करती है। फॉर एग्जांपल लोन फ्रॉम RBI, बॉन्ड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इस तरह से। एक्सटर्नल बोरिंग क्या होता है कि अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बाहर से भी लोन लेके सकती है। फॉर एग्जांपल बोरिंग फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक, बोरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इस तरह से। रिकवरी ऑफ लोन्स क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट, फॉर एग्जांपल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पैसे उधार पे दिए और वो पैसे आपको रिकवर हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकवर हो गए, तो वो रिकवरी ऑफ लोन्स में आएंगे। तीसरा हो गया अपना डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि सरकार अपनी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है वो प्राइवेट करके पैसा रेज करती है। फॉर एग्जांपल 1991 से पहले जो हमारा जो इंडिया था उसमें क्या था कि सब कुछ पब्लिक सेक्टर, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, सबके सब सेक्टर, बैंक्स हो गए, कोई भी सेक्टर ले लो आप, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था। तो 1991 आते आते हमारा देश दिवालिया हो गया, बैंकरप्सी हो गई, 15 भारत के इंडिया के पास 15 दिन का ही पैसा था, आप लोगों ने सुना होगा। फिर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रिफॉर्म्स लाए, LPG को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने कहा। इसका मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण। उदारीकरण क्या होता है कि थोड़े रोज में उसको चेंज करना कि पब्लिक सेक्टर को भी आने देना, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब वो होता है कि पब्लिक सेक्टर को खुली छूट देना कि आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ग्लोबल मार्केट को इंडिया में परमिशन देना कि आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, कि दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें सरकार अपने एसेट्स को क्रिएट करती है, लाइबिलिटीज़ को कम करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, बीच ब्रिज है, कैनाल है, वो क्या एसेट क्रिएट करेगी गवर्नमेंट। और दूसरा है कि जो पेमेंट है लोन का, मान लो कि सरकार ने लोन की ज़रूरत पड़ी और लोन लिया है तो लोन की रीपेमेंट करेगा,
तो लायबिलिटीज कम करता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, सरकार गवर्नमेंट जो होती है और एसेट भी क्रिएट नहीं करती और लायबिलिटीज भी कम या ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन हेल्थ सर्विस पीपल ऑफ एडीसी। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि सरकार पहले से प्लान करके रखती है कि हमारे इतने खर्चे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 वर्षीय योजना ऐसी योजना है वो प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सरकार प्लान करके नहीं रखती। फॉर एग्जाम्पल पुलिस एक्सपेंडिचर, पुलिस, जुडिशरी, वाटर सप्लाई, पेंशन एंड हेल्थ, रजिस्ट्रेशन, डिफेंस, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। दूसरा है अपना रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या, पहले तो डेफिसिट का मीनिंग होता है वो कहते, तो डेफिसिट यानी कि कमी, घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि रेवेन्यू में कितनी कमी, इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट निकाला जाता है। इट्स अ सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसीव्ड। जो हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रिसीव से भी ज़्यादा हो जाती है, उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सरकार के जो खर्चे वो रेवेन्यू से भी ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है एक निकालने का, रेवेन्यू रिसीव माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीव में टैक्स टैक्स और रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट भी आ जाते हैं, इंक्लूड रहते हो। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो रेवेन्यू रिसिप्ट अपॉन GDP इंटू ट्रेड। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है कि फिजिकल डेफिसिट आपको ये बताता है कि हमारे कितने उधार लेने हैं सरकार। फिजिकल डेफिसिट डिफाइन एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोर्डिंग्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी कि बोरिंग को माइनस करना। प्राइमरी डेफिसिट उसमें क्या रहता है कि प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ आपको। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इससे आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू बजट, तो टर्म्स बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा बजट शब्द का उपयोग नहीं किया है, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उपयोग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1-2। Who is responsible for preparing budget? The budget of division department of economic affairs, the finance minister, the nodal body of responsible for preparing the budget. ये हमारा बजट है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 263,281 करोड़ है। कैपिटल रिसिप्ट अपनी 26,32,281 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट होगी अपने 18,70,816 करोड़। तो हमारी टोटल रिसिप्ट है 45 लाख करोड़। जो टोटल एक्सपेंडिचर है वही हमारा बजट है 45 लाख करोड़ का। जो हमारा टोटल बजट है 45 लाख करोड़ है। रेवेन्यू डेफिसिट देख सकते हो, रेवेन्यू डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रुपीस कम फॉर मीन्स की सरकार का जो बजट है वो 1 रुपये, तो 1 रुपये कहाँ से आते हैं, तो बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी से 34% 34 पैसे बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज से आते हैं। 6 पैसे नॉन टैक्स रिसिप्ट से आते हैं, 2 पैसे नॉन कैपिटल रिसिप्ट से आते हैं, 4 पैसे कस्टम से आते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर 17 पैसे उससे आते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स से 15 पैसे आते हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे आते हैं, इनकम टैक्स से 15 पैसे।
ईएमआर टैक्स रेवेन्यूज है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ग्रो है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, टैक्स ऑन इनकम है, टैक्स कस्टम यूनियन एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स, ये ऑन डेट रिसिप्स डेट रिसिप्स। तो भारत का जो एक्सपेंडिचर है कहाँ कहाँ होता है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में होता है, सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर होते हैं ट्रांसफर, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, फाइनेंस कमीशन रेट्स, ग्रांट्स, अदर ग्रांट्स, लोन्स, ट्रांसफर्स। तो कुल मिलाते हुए 45 लाख करोड़ का जो एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट का होता है, रुपीज कोस्ट हुए। अगर सरकार की जो इनकम है वो 1 रुपये तो कहाँ कहाँ खर्च करती है, तो पहले इंटरेस्ट पेमेंट में 20 पैसा इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में 9 पैसा, सब्सिडीज में 7 पैसा, डिफेंस में 8 पैसा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17 पैसा, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 9 पैसा, स्टेट से टैक्स एंड ड्यूटी 17 पैसा, अदर एक्सपेंडिचर 8 पैसा, बैंक से में 4 पैसा। थैंक यू सर। तो बेसिकली जो बजट है हमारा लेखा जोखा है कि हमने कहाँ से कितना पैसा लिया, कितना हमने दिया और कैसे। अभी हमारा क्या है, खुद का जो बजट होता है कि हम प्लान करते हैं कि ऐसा ऐसा हमें करना है, तो सेविंग करना है, इनकम जो है उसके हिसाब से एक्सपेंस करना है। बट गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल अलग है, वो देखता है क्योंकि उसमें पूरा इंटर इंडिया का जो 140 करोड़ लोग हैं उनका वेलफेयर देखते हैं। तो अभी क्या है, वहाँ पे किसी ना किसी का वेलफेयर एक्टिविटी भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा आगे जाके 10 साल 20 साल में क्या प्रोजेक्शन है। वो एक टीम है पूरा बैठ के प्लानिंग कर, नीति आयोग जैसे हो गया, तो वो रिकमेंडेशन देते आगे जाके ये होने वाला है। तो उसके लिए अभी से देखो कुछ प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट बोला कोई प्रॉफिट, इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर घर में जो हम करते हैं प्रॉफिटेबल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट गवर्नमेंट को क्या करना है, प्रॉफिटेबल वेलफेयर स्कीम्स होने के साथ ऑल एंटायर इंडिया कैसे ग्रो करेगा उसके लिए करना है। तो हमारा इंडिविजुअल बजट एंड किसी देश का बजट समथिंग डिफरेंट, बट उसका जो मेन मुद्दा वही है कि कहाँ से कितना आएगा कितना जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे गवर्नमेंट का कितना परसेंट हमारा बोरोइंग है, 20%। 1 रुपया अगर कमाते हैं 20% हम देने में चला जाता है। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, पहले और भी ज़्यादा धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रहा है। और जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज ऑल्सो, वो कहीं एक इकोनॉमिक्स बताते हैं कि फिजिकल डेफिसिट होना अच्छा है, बट इट डज नॉट मीन दैट वो बढ़ता जाएगा, वो सर्टन लेवल से होना चाहिए। इन्फ्लेशन, ये घाटा जो है, ये सब की आपको चैलेंज देता है, उसको मेंटेन करने के लिए वो ज़्यादा काम करोगे। सो दिस इज अ चैलेंज, ठीक है। एनी वे वेरी गुड प्रेजेंटेशन मिस्टर मौली, एक बिग क्लैप फॉर यू। चलो गुड।